भारत में सबसे ज़्यादा खरीदी जाती है ऑल्टो K10। आज हम देखेंगे इसका क्रैश टेस्ट, ये कितनी खड़ी उतरती है। आप देख सकते हैं इसमें बैरियर टेस्ट फ्रंट में बिल्कुल ही डैमेज हो चुकी है। तो विद 2 एयर बैग्स के साथ इसमें सिर्फ 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है NCAP के द्वारा। बैरियर टेस्ट को 60 या 64 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से टकराया जाता है एक बैरियर से गाड़ी को। इसके अंदर जो डमीज बैठे रहते हैं उन पर ऐसे सेंसर लगे होते हैं जो बिल्कुल इम्पैक्ट को माप कर आपको बता देंगे कि कितनी हड्डियाँ टूट गई हैं या फिर कितनी चोट इंसान को पहुंच सकती है, कितनी हानिकारक ये हो सकती है। तो ये गाड़ी बिल्कुल ही सेफ़ नहीं है। और मारुति के NCAP की रेटिंग वैसे भी बहुत ख़राब आती है। आप देख सकते हैं कि 2 स्टार रेटिंग इसको मिली है, वो भी NCAP यानी यूरोपियन कंट्रीज़ के जो मॉडल होते हैं उनके हिसाब से। इसमें चाइल्ड ऑक्यूपेंट भी बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। ऐसी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए ऑटो ग्लैमर इंडिया। और नई गाड़ी खरीदने से पहले इस प्रकार की वीडियो ज़रूर देखें ऑटो ग्लैमर इंडिया पर, और आपको इस प्रकार के नॉलेज से पता चल जाएगा कौन सी गाड़ी आपके परिवार के लिए सेफ़ है और कौन सी गाड़ी सेफ़ नहीं है। आई होप गाइज आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, इसीलिए सब्सक्राइब करिए ऑटो ग्लैमर इंडिया और देखते रहिए मेरा चैनल। धन्यवाद। आगे आप देखेंगे साइड बैरियर टेस्ट। साइड बैरियर यानी जब गाड़ी चलते दौरान कोई साइड से टक्कर मार देता है तो उस दौरान आपके चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स या फिर आपके पैसेंजर्स कितने सेफ रहेंगे, उनको कितनी चोटें आएंगी, ये इस टेस्ट के दौरान मापा जाता है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक साइड बैरियर को टकराया जाता है 40 की स्पीड से NCAP द्वारा, ये किया जाता है। धन्यवाद।